अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की पार्लिमानी हलके हैदराबाद के लिए मुहिम जारी, इंतखाबी जलसे से खिताब, पैदल दौरों में आवाम से की मुलाकात। रंगों का त्यौहार होली रियासत और मुल्क भर में जोश व खरोश के साथ मनाया गया, गवर्नर ने पुलवामा वाकये के सिलसिले में तकरीब नहीं मनाई। तेलुगुदेशम के साबिक रुकने पार्लियामेंट की टीआरएस में शमूलियत, कारगुजार सदर केटीआर ने किया खैर मकदम। पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में मजलिसी कायदीन की भी इंतखाबी मुहिम जारी, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की गई अपील। सरखे की वारदातों में मुलविस चार रुकनी टोली गिरफ्तार, नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। रियासत भर में होली त्यौहार नहायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। सियासी हलकों में सिद्दीपेट में साबिक वजीर हरीश राव और करीमनगर में रुकने पार्लियामेंट विनोद कुमार ने होली त्यौहार में हिस्सा लिया, जबकि ग्रेटर हैदराबाद के गली कूचों में होली त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए आवाम ने एक दूसरे को रंग लगाया। गवर्नर ESL नरसिम्हन ने पुलवामा वाकये की वजह से राजभवन में इस बार होली त्यौहार का इनेकाद अमल में नहीं लाया। रियासत भर में रंगों का त्यौहार होली नहायत जोश व खरोश के साथ मनाया गया। पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे, जिसकी वजह से कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। ग्रेटर हैदराबाद के हर गली कूचे में, खासकर बेगम बाजार के इलाके में मारवाड़ी तबके ने होली त्यौहार का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया। आवाम ने एक दूसरे पर रंग फेंकते हुए मुबारकबाद दी। साबिक वजीर आपाशी हरीश राव ने सिद्दीपेट में और रुकने पार्लियामेंट विनोद कुमार ने करीमनगर में पार्टी कायदीन के साथ होली त्यौहार मनाया। वजह गवर्नर ESL नरसिम्हन ने पुलवामा वाकये की वजह से राजभवन में होली त्यौहार मनाने से गुरेज किया। मजलिस उम्मीदवार हल्के पार्लिमान हल्के हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने जुमेरात को रियासत नगर, अली नगर, रक्षापुरम कॉलोनी, यूसुफेन कॉलोनी, गुलशन इकबाल कॉलोनी और नरखी फूलबाग में पैदल दौरा करते हुए आवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की। आवाम ने दोनों कायदीन का वालेहाना इस्तकबाल किया। अकबरुद्दीन अवैसी ने आवाम से अपील की कि वो 11 अप्रैल को पार्लिमानी इंतखाबात के मौके पर मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें, उन्होंने भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। इस मौके पर डिवीजन कॉर्पोरेटर्स मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी। कैसे चौकीदार है कि कोर्ट ने उसको बरी कर दिया तो आप अपील भी नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि आप चौकीदार हैं तो आपकी आंखों में असीम आनंद आपका महबूब है।
आप अपील नहीं करते। आप कैसे चौकीदार हैं कि ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर बम ब्लास्ट हुआ, आप अपील नहीं करते, असीमानंद बरी हो गया। अरे आप चौकीदार, मगर आपकी आंखों में मोहब्बत असीमानंद की है, इंसाफ की मोहब्बत क्यों नहीं है आपकी आंखों में? अगर आप चौकीदार हैं तो मक्का मस्जिद में मरने वाले हिंदुस्तानी हैं जिनको बम रखकर मार दिया गया था, आप कैसे चौकीदार हैं? आज समझौता ब्लास्ट का फैसला आया, आप कैसे चौकीदार हैं कि मालेगांव में आपकी हुकूमत, आप चौकीदार रहते हुए रोहिणी सालियान प्रोसिक्यूटर से कहती है कि वो जो एक्यूज्ड है, मुलजमीन है, उनके खिलाफ नरम जाइए। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों में उनसे उनकी मोहब्बत। कैसे चौकीदार हैं आप कि आप इन लोगों के लिए नरम रवैया रखते हैं? कैसे चौकीदार हैं आप कि समझौता ट्रेन ब्लास्ट का आज फैसला आया जिसमें मरने वाले 25 हिंदुस्तानी भी हैं, बम ब्लास्ट टेररिस्ट ऑफेंस, दहशतगर्दी का वाकया, आप कैसे चौकीदार हैं? अगर आप वाकई में चौकीदार हैं तो ऐलान कर दो कल कि मैं इस फैसले के खिलाफ अपील करूंगा जो कोर्ट ने असीमानंद को बरी कर दिया। अरे आप कैसे चौकीदार हैं? इतना असीमानंद से क्यों डरते? मोहब्बत क्यों है आपको? तो मालूम हुआ कि असीमानंद किसी जमाने में आरएसएस से वाबस्ता थे। चौकीदार आप हैं, मगर अगर कोई आरएसएस का है तो आपके लिए दिल रुबा है। बताइए कैसे आप चौकीदार हैं? कौन सा काम आपने सही किया बताइए? आप नौकरियां आपने दी, चलिए आप चौकीदार हैं, नौकरियां नहीं मिली। अरे आप कैसे चौकीदार हैं कि इतना बड़ा 56 इंच का तुम्हारा सीना और उरी में पुलवामा में बम ब्लास्ट हो गया? कैसे आप चौकीदार हैं कि आप चौकीदार हैं और आपकी नाक के नीचे 50 किलो आरडीएक्स पुलवामा चला जाता है? अरे आप कैसे चौकीदार हैं कि 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के हमारे बहादुर लोग मर जाते हैं? तुम कैसे चौकीदार हो कि उरी में आर्मी बेस पर घुसकर मारा गया? अरे आप कैसे चौकीदार हैं कि पठानकोट के अंदर एयरफोर्स के बेस में घुसकर मारा गया? मगर आप चौकीदार हैं, क्या चौकीदारी कर रहे हैं आप? ना आपको चौक की फिक्र, ना किसी की फिक्र। अरे इस मुल्क को चौकीदार नहीं चाहिए, इस मुल्क को एक ईमानदार वजीर आजम चाहिए। इस मुल्क को एक ईमानदार वजीर आजम चाहिए, इस मुल्क को चौकीदार नहीं, इस मुल्क को एक खादिम चाहिए, इस मुल्क को एक खादिम चाहिए, इस मुल्क को ऐसा आदमी चाहिए जो हिंदुस्तान की संविधान को, आईन को, कॉन्स्टिट्यूशन को समझे, उसकी रूह को समझे। और हिंदुस्तान की आईन की रूह क्या है? सेकुलरिज्म है, इंसाफ है, फ्रेटर्निटी है, लिबर्टी है, ये इस मुल्क के संविधान आईन की रूह है। मगर आप तो बस थोड़े दिन पहले कुछ और बात, अब चौकीदार है, कहे के चौकीदार। हाई कोर्ट में आज सीबीआई जाती है, सीबीआई जाकर कहती है कि इशरत जहां के एनकाउंटर में वंजारा नरेंद्र अमीन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गुजरात की हुकूमत हमको मंजूरी दे, मगर चौकीदार आप हैं। गुजरात की सरकार बोलती नहीं दे सकते, परमिशन नहीं दे सकते। अरे डरते क्यों हो तुम? जब तुम चौकीदार हो तो तुम क्यों डर रहे हो वंजारा से? जब तुम चौकीदार हो तो नरेंद्र अमीन से क्यों डरते हो? अरे दो ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, बचाना है उनको। मेरे भाई बताइए आप, ये कौन सी हुकूमत है जो सिर्फ जहां पर इनकी आइडियोलॉजी रखते हैं लोग उनको अपने खरीब कर लेते हैं? चौकीदार के नाम से तो बहुत बड़ा, और वो नरेंद्र अमीन अपने ट्विटर अकाउंट पे लिख दिया कि मैं चौकीदार नरेंद्र अमीन। तो दिल्ली के चौकीदार ने कहा कि ये मेरा चौकीदार, मैं इसको कुछ नहीं होने दूंगा।
ये अजीब और गरीब बात है, अजीब और गरीब बात है मेरे भाई। यही चीज है जो हमको समझने की जरूरत है कि जो वादे किए थे नौकरियों के वो टाई टाई हो गए। चीन से कहा था कि हम 56 इंच का सीना रखते, मोदी ने कहा था हम चीन को ऐसा कर देंगे, बाद में किसी ने जाकर कहा चीन है चीनी नहीं है। तो बोले क्या करना, तो इनके एक मुशीर आला ने कहा जो जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर हैं, ये रैम्बो हैं। जेम्स बॉन्ड ने कहा अहमदाबाद को बुलाओ चीन के सदर को और झूला झूलाओ झूला। तो चीन के सदर आए, वजीर आजम चीन के सदर के साथ झूले में बैठ के जुज्जू झक्का जुज्जू झक्का झूला दे रहे थे, ले झूला ले झूला। तो चीनी बोला अच्छा है बैठो, तालाब के किनारे धक्का दे रहा बैठा हूं, यूं यूं देख रहा खाली, और आप अपने कपड़े पहन के ये खुश नहीं। झूला दिए, उन्हें बोला दे झूला मैं भी झूला देता हूं, खूब झूला दिए। बच्चे छोटे बच्चे को झूला दिए तो सो जाता उन्हें, अम्मा झूले बिठा के बोलती सो जा बाबा सो जा पापा, इन्हें समझे इन्हें सो जाता। आपकी ये झूला डिप्लोमेसी, झूला डिप्लोमेसी। और फिर तकरीर में बोलते मेरा क्या है, हम ऐसा कर दिए घर में घुस के मारेंगे। अपनी तकरीर में नरेंद्र मोदी ने कहा था घर में घुस के मारेंगे, यहां तो झूला झूला बात से भी राजी नहीं हुआ। रुकन असेंबली हल्के चार मीनार मुमताज अहमद खान ने जुमेरात को पंजेशा ईरानी गली से अपने पैदल दौरे का आगाज किया। उन्होंने शहरान मार्केट, दीवान देवड़ी, मीरालम मंडी, गुरुना गली का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। मुमताज अहमद खान ने आवाम से अपील की कि वो 11 अप्रैल को पार्लियामानी इंतखाबात के मौके पर मजलिसी उम्मीदवार हल्के पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को अपना वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मौके पर डिवीजन कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। ज़िले खम्मम से ताल्लुक़ रखने वाले तेलुगुदेशम के साबिक रुकन पार्लियामेंट एन नागेश्वर राव ने टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के टी रामाराव से मुलाकात करते हुए टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। के टी रामाराव ने उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाकर उनका टीआरएस में खैर मुकदम किया। नामा नागेश्वर राव ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से तेलंगाना की तरक्की के लिए किए जाने वाले इकदाम से मुतासर होकर उन्होंने तेलुगुदेशम से इस्तीफ़ा दिया है और टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की है। ज़िले खम्मम के साबिक रुकन पार्लियामान तेलुगुदेशम ख़ायद नागेश्वर राव ने तेलुगुदेशम से इस्तीफ़ा देते हुए टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने हैदराबाद पहुंचकर टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के टी रामाराव की क़यामगाह नंद हिल्स पर मुलाकात की और टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। के टी रामाराव ने उनका पार्टी में खैर मकदम किया। एन नागेश्वर राव की पार्टी में शमूलियत से टीआरएस खम्मम ज़िले में मजीद मुस्तहकम होगी, यह के टी आर ने दावा किया। वादा नागेश्वर राव ने कहा कि वज़ीर आला के सी आर की जानिब से नई रियासत की तशकील के बाद तेलंगाना की तरक्की के लिए किए जाने वाले इकदाम से मुतासर होकर और ज़िले की तरक्की के लिए और टी आर एस में शामिल हुए हैं।
महबूब नगर पार्लिमानी हलके के कांग्रेस उम्मीदवार वंशी एम चंदर ने स्टेट सेक्रेटरी सीपीआईसी वेंकट रेड्डी से मुलाकात करते हुए इस बात की नुमाइंदगी की कि कम्युनिस्ट पार्टी महबूब नगर हलके से उम्मीदवार ठहराने के बजाय टीआरएस और बीजेपी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस पार्टी की तायीद करे। कांग्रेस पार्टी ने सबर इंतखाबात में अजीम इत्तेहाद करते हुए तेलुगुदेशम कम्युनिस्ट पार्टी तेलंगाना जना समिति के साथ इंतखाबात का सामना किया था, लेकिन पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी अलहदा हिकमत अमली तैयार करते हुए उम्मीदवारों को हिदायत दे रही है कि वो अपने पार्लिमानी हलके में जिन जमातों का असर रुखूज ज़्यादा हो वहाँ इत्तेहाद के लिए शख्सी तौर पर मुलाकात करे। इसको लेकर महबूबनगर पार्लिमानी हलके के कांग्रेस उम्मीदवार वंशी चंद ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्टेट सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी से मुलाकात की और ख्वाहिश की कि सीपीआई महबूबनगर हलके में उनकी तायद करे। वादरे के सिखल मलकाजगिरी पार्लिमानी हलके से कांग्रेस उम्मीदवार रेवंत रेड्डी ने सीपीआई कायद से मुलाकात करते हुए तायद की अपील की थी। रंगों का त्यौहार होली हैदराबाद में भी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। शहर के मुख्तलिफ मकामात संतोष नगर, सईदाबाद, मादनापेट के अलावा चादरघाट, मलकपेट, दिलसुख नगर, कोकटपल्ली, अमीरपेट, इंदिरा पार्क, बंजारा हिल्स, पुराना पुल, कारवान, घासी बाजार और अलियाबाद के अलावा दीगर इलाकों में सैकड़ों आवाम ने एक दूसरे पर रंग फेंका और गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस को खैराबाद करते हुए बीजेपी में शामिल होने वाली खातून खायद डी के अरोड़ा ने सीनियर बीजेपी खायद बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की। बंडारू दत्तात्रेय ने उनके बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने पर मसरत का इजहार किया। इस बात का खबी इम्कान है कि डी के अरोड़ा को बीजेपी महबूब नगर की पार्लिमानी हल्के से उम्मीदवार बनाएगी। रुकन असम्बली हल्के चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन अवैसी ने जुमेरात को बल डिवीजन बारकस के इलाके जात मोहम्मद नगर, गौस नगर, बंदला गुड़े का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और आवाम को दरपेश मसाइल दरियाफ्त किए। अकबर अवैसी ने आवाम से कहा कि वो 11 अप्रैल को मुनक़द शुदनी पार्लिमानी इंतखाबात के मौके पर मजलिसी उम्मीदवार हल्के पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करके उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। इस मौके पर डिवीजन कॉरपोरेटर सदूर और मुतमदीन इब्तदाई मजलिस और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तेदाद भी मौजूद थी।
नारजोन टास्क टीम ने बाबा सुर खितला पर कार्रवाई करते हुए सड़कों की वारदात में मुलविस टोली के चार अरकान को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी टास्क फोर्स राधा किशन राव की निगरानी में यह कार्रवाई अंजाम दी गई, जबकि हिरासत में लिए गए मुलजमीन में एम अरुण कुमार, एम उपाध्याय, टी संजय सिंह और आर अखिल कुमार शामिल हैं। मस्कुरा मुलजमीन 8 वारदातों में मुलविस हैं, जिनमें हैदराबाद कमिश्नरेट के तहत 6 और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट हदूद में 2 वारदातें अंजाम दी गई थी। मुलजमीन के कब्जे से 10 ग्राम तिलाई जेवर, 200 ग्राम नखरवी जेवर, 4 मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन जब्त किए गए। मजीद कार्रवाई के लिए हिरासत में लिए गए मुलजमीन को चिलकलगुड़ा पुलिस के हवाले किया गया। पार्लियामानी इंतखाबात के पेश नज़र मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च किया जा रहा है, ताकि आवाम में पुलिस के तईं एतमाद की फिजा को बहाल किया जा सके और बगैर किसी खौफ के राहदेही में आवाम हिस्सा ले सके। इस सिलसिले के तहत राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके जात में साइबराबाद पुलिस ने दीगर आर्म्स फोर्सेस के साथ फ्लैग मार्च किया। इस फ्लैग मार्च में 200 से ज्यादा पुलिस अहलकारों ने हिस्सा लिया। वादा है कि इस किस्म के फ्लैग मार्च हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा स्टेट्स में वक्तन फोक्तन किए जा रहे हैं। मन राजनगर पीएस लिमिट्स मन शमशाबाद डीसीपी प्रकाश रेड्डी सार आदेश मन एसीपी अशोक चक्रवर्ती सार अं सुरेश सार इंस्पेक्टर राजनगर गारी आदेश मेरे को मन ओक राजनगर पीएस लिमिट्स पाकीजा होटल नीं मन फ्लाग मार्च स्टार्ट जी पाकीजा होटल नीं अर्षमाल एरिया जलाल बाबा नगर తర్వాత అత్తాపూర్ ఏరియా నవ నంబర్ ఏరియా అన్ని కవర్ చేస్తూ ఈరోజు అత్తాపూర్ ఇందిరాగాంధీ స్టేట్ దగ్గర కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది। మన యొక్క డీజీపీ తెలంగాణ గారి ఆదేశాల మేరకు ఇన్సిడెంట్స్ ఫ్రీ అంటే ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరగకుండా ఎలక్షన్స్ ఫ్రీగా జరగడానికి మేము ఈరోజు ఫ్లాగ్ మార్చ్ చేయడం జరిగింది। ఇట్టి ఫ్లాగ్ మార్చ్లో ఆర్పిఎస్ఎఫ్ ఫోర్స్ ఆర్ఎస్ఆఫ్ అతని యొక్క సార్ యొక్క సిబ్బంది మరియు సిఎస్ఎఫ్ ఫోర్స్ అందరం కలిసి ఈరోజు ఫ్లాగ్ మార్చ్ చేయడం జరిగింది। ఇట్టి మార్చ్లో మన ఎస్ఐలు రాముల ఎస్ఐ గారు, వెంకటేష్ ఎస్ఐ గారు కూడా పాల్గొన్నారు। మొత్తం 200 మంది పారామిలిటరీ ఫోర్స్ ఈరోజు ఫ్లాగ్ మార్చ్లో పాల్గొనడం జరిగింది। ఇటువంటి ఫ్లాగ్ మార్చ్ ఎలక్షన్స్ అయ్యేంతవరకు सदर नशीन तेलंगाना उर्दू अकेडमी मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी ने शायर जहांगीर ख्यास के शेरी मजमूए इजहार ख्यास की रस्म अंजाम दी। तकरीब की सदारत डॉक्टर नादिर अल मजदूसी ने की, जबकि मेहमान खसूसी की हैसियत से प्रोफेसर मजीद बेदार, डॉक्टर मीम खाफ सलीम के अलावा डॉक्टर जहांगीर एहसास ने शिरकत की और खिताब भी किया। बाद अज़ा एक गैर तरही मुशायरा मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें कई शोरा ने अपना कलाम सुनाया। इस तकरीब में जहांगीर ख्यास को तहमीत पेश की गई, जबकि रिसर्च स्कॉलर मोहसिन खान ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। इस तकरीब में सैयद अब्दुल अजीज, सुहेल अजीम, आरिफुद्दीन अहमद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तरन्नुम भी ना हो, चमरे तहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो कुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो कुम भी ना हो, बदल तौहीद भी दुनिया में ना हो तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिशाना था इसी नाम से। मैं अपना एक मामूल भी मना लेना चाह रहा हूँ कि कहीं पर भी किसी की तहमीद की तकरीब हो या किसी की किताब की नुमाई हो, उसमें पहले अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ की जाए, हुज़ूर की तारीफ। इससे कबल भी मेरी मुलाकात हमारे जहांगीर साहब से तकरीबात में और
लेकिन जो शायरी की किताबें मैंने देखी है माशाल्लाह और तो कोशिश कर रहा है अल्लाह का जोर कलम और ज़रा बहुत ही आला पैमाने पर وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت کے موقع پر جمعرات 13 رجب المرجب کو علاوہ بی بی دبیل پورے سے سہرہ مبارک کا جلوس برآمد ہوا، جو اعتبار چوک، چار مینار، گلزار ہاؤس، میرالم منڈی، پرانی حویلی اور دارالشفا سے ہوتا ہوا کوہ مولا علی پہنچا۔ جلوس کے دوران زبردست آتش بازی کی گئی۔ اس موقع پر ریاض الحسن آفندی ایم ایل سی کے علاوہ الطاف حیدر رضوی، مولانا حیدر آغا اور دیگر معززین بھی موجود تھے۔ اردو سماج شکاگو کی جانب سے بین الاقوامی یوم گلوکار کے موقع پر ایک تقریب کا انہیں خاص عمل ملایا گیا۔ اس تقریب میں کئی معروف گلوکاروں نے اپنے گلوکاری کے جوہر دکھائے۔ سید خلیل اللہ کے مطابق قونصل جنرل ہند متحدہ شکاگو بیتا بھوشن، سی ای او ہوم مارگینج سلیوشنز انیل لمبا نے مہمانان کی حیثیت سے شرکت کی۔ بانی و صدر اردو سماج شکاگو علی خان نے مہمانان و شرکا کا خیر مقدم کیا اور اردو سماج کی سرگرمیوں کے بارے میں شرکا کو واقف کروایا۔ آرگنائزرز مسز پرتیبا اور مسٹر الطاف کی نگرانی میں تقریب کے انتظامات کیے گئے۔ اس تقریب میں اردو سماج بورڈ اراکین ڈاکٹر اماد شیخ، سید حسینی، عبد الرحمان سلیم، پرویز اکرم کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی دو مساجد میں ہوئی دہشت گردی میں تقریباً 50 مسلیان شہید ہوئے تھے۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد سارے ملک میں غم کی فضا چھائی ہوئی ہے۔ مسجد النور اور لینڈ ووڈ میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا تھا، تاہم لینڈ ووڈ مسجد میں ایک مصلی عبدالعزیز کی جانب سے چوکسی برتنے اور حملہور کو حملے سے روکنے کے باعث کئی مسلیان کی جان بھی بچ گئی۔ مسجد النور میں تقریباً 40 مسلیان شہید ہوئے، جہاں سفید فام دہشت گرد کی مزاحمت میں کوئی آگے نہ آ سکا، لیکن لینڈ ووڈ مسجد میں عبدالعزیز نے مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حملہور کو روکنے کی کوشش کی، جس پر اس کی گن گر پڑی اور وہ فرار ہو گیا، تاہم کچھ دیر بعد پولیس نے اسے گرفتار بھی کر لیا۔ عبدالعزیز کی اس مستعدی پر کئی چینلز نے ان کا انٹرویو نشر کیا ہے اور سوشل میڈیا پر ان کا ویڈیو وائرل ہو چکا ہے۔ السلام علیکم برادرز، وی ویز برادر عبدالعزیز، دی برادر فرام دی لینڈ ووڈ سٹریٹ مسجد، and he was the one, جزاه الله خيرا, who actually ran after the shura and he had picked up some of the weapons that were inside the masjid. Brother Abdulaziz, when you were talking to us, you mentioned something amazing, and that's that when you went to the car and you chased after him, what did you say, brother? Wallahi, I see the fear on his eyes. The fear on his eyes, because what happened, he had a fear, that's why he had a bulletproof jackets on him with the army clothes, you know, he had a fear. But you know, the real fear I see on his eyes. Uh-huh. And that's why when I throw the gun on him, when his window was smashed, I could see fear on his eyes. So when he was coming in and the people had nothing on them, no guns, no nothing, he was able to go and come as he pleased. Yeah. But as soon as he seen someone come at him, SubhanAllah, there was just a fear in his eyes. Yeah. And he just took off. Wallahi, brother, I don't do this one for the any like fame or anything, but we just put away for all the Muslim, for not just Muslim, anybody, you know, try to attack anybody. Don't try to get, you know, waiting for the shot coming to you, you get safe. If you can try to defend yourself or defend other people, do it, because it's worth it. Sometimes, you know, if you win, it's good, but even if you doesn't win, it still is, you know, unless you done something. This is the way of the cowards, unfortunately. When they had people had nothing, they're able to do whatever they want. As soon as one person came at him and he thought that he was armed, fear in his eyes, and took off. May Allah reward you.
آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی پارلیمانی حلقے حیدرآباد کے لیے مہم جاری، انتخابی جلسے سے خطاب، پیدل دوروں میں عوام سے کی ملاقات۔ رنگوں کا تہوار ہولی ریاست و ملک بھر میں جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا، گورنر نے پلوامہ واقعے کے سلسلے میں تقریب نہیں منائی۔ تلگو دیشم کے سابق رکن پارلیمان کی ٹی آر ایس میں شمولیت، کارگزار صدر کے ٹی آر نے کیا خیر مقدم۔ پارلیمانی انتخابات کے سلسلے میں مجلسی قائدین کی بھی انتخابی مہم جاری، صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی گئی اپیل۔ سرخی کی وارداتوں میں ملوث 4 رکنی ٹولی گرفتار، نارتھ زون ٹاسک فورس ٹیم نے کی کارروائی۔ ناظرین، ابھی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ابھی نیوز اختتام پذیر ہوتی ہیں، ابھی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔